हरियाणा में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला जींद से सामने आया है, जिसमें सरेआम घर के बाहर काम कर रही एक महिला को बेखौफ अपराधी गोली मारकर फरार हो जाता है। महिला की शिकायत पर जींद पर सदर पुलिस ने महिला के पति और तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें राजा की कोठी के पास एक महिला काम कर रही थी, तभी हेलमेट पहने एक युवक आता है और महिला से कुछ जानकारी लेता है, जिसके बाद बंदूक तान कर महिला के सर में गोली मार फरार हो जाता है। ये मामला था, दो बंदे मेरे घर आते हैं, आके वो गली में कहते हैं कि मकान रेंट पे दे दे। मैंने उनको मना कर दिया, भाई जेंट्स लोगों को मैं मकान नहीं देता, हमारी गली में सब लेडीजें रहती हैं, जेंट्स लोग काम पे चले जाते हैं, भाई हम जेंट्स लोग को मकान देना सेफ नहीं समझते। मना करने के बावजूद उसने पाँच कदम चल रहा है, पाँच कदम चल के फिर उन्होंने गन निकाल ली है, गन निकाल के फिर मेरी खोपड़ी में गोली डाली है। आपकी पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश भी है सर, पुरानी रंजिश मेरे गांव में है। जैसे मैं गांव छोड़ के आई थी, उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट किया था। कौन सा गांव आपका? मेरा गांव समान है। जैसे कि आपने बताया कि गांव से आई थी, तो उन्होंने? हाँ जी, मैं गांव समान से आई थी और उन्होंने भी मेरे को बहुत परेशान किया था सर। उन्होंने भी 13 लोगों ने मिलकर मुझे मारा था। मेरा घर, मेरी जमीन सब हथियार रखी है। 464 नंबर मुकदमा है, जो कि आज तक कोई भी मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर उनके दूसरे पति, उनका जेठ और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अभी तक गोली मारने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पूजा वाइफ ऑफ अनिल पिछले 2-3 साल से अमरेडी गांव में रह रही है, जिसके ऊपर कर दो अज्ञात व्यक्तियों ने बाइक सवार थे, जो हेलमेट पहना हुआ था, उसके सिर में गोली मारकर भाग गए, जिसके संबंध में पूजा के दामाद विक्की स्वरूप जयदेव, जो जुरानी गांव का रहने वाला है, उसकी शिकायत पर दो अज्ञात व्यक्तियों तथा पूजा की जो पहले शादी हुई थी उसके जेठ राकेश व दूसरे पति अनिल के खिलाफ अभियोग दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अभी तक कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है किसने और कैसे मारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। घटना में सीसीटीवी फुटेज है उनके घर पे, और डीवीआर का लॉक लगा हुआ है, उसको डीवीआर का लॉक खुलवाकर सीसीटीवी फुटेज।